वीडियो में है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दिस इज वर्ड पावर मेड इजी पार्ट 9 सेशन 21 टू 23 तक की समरी हम लोग इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियोस को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी, यहां पर आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप अनअकैडमी पर मेरे बारे में देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग इंग्लिश का सीजल 2020 का जो आपका कोर्स है ग्रामर का, इसे आप एनरोल कर सकते हैं। पैराजंबल आरसी का कोर्स है और आपका टीयर 2 का कोर्स है, 1000 एमसीक्यू का कोर्स है। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए या इन सभी टीचर से पढ़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड AMANT इसे नोट कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5400 रुपीज़ में ले सकते हैं। अगर आप सेशन की PDF चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल था कि PDF आपने टेलीग्राम पे अपलोड नहीं करी है, आप लोग आप कहते रोज हैं। देखिए टेलीग्राम पे मैं और भी चीज़ें अपलोड करता हूँ, जैसे कि डेली का असाइनमेंट, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री असाइनमेंट होता है पूरी तरीके से, टेलीग्राम पे जो चीज़ आ रही है वो 100% फ्री आपको असाइनमेंट मिलता है। वहाँ पे PDF आपकी अपलोड हो जाएगी वंस द ऑल सेशंस आर कंप्लीट, मतलब जब तक ये पूरा एक पार्ट खत्म नहीं होता तब तक मैं PDF नहीं देना चाह रहा, क्योंकि एक ही PDF में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8299117042, इस नंबर को सेव कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी अगर ठीक लगेगी तो मैं जवाब आपका दूंगा। लास्ट वीक टू लास्ट दो लास्ट के वीडियोज में हमने काफी वर्ड्स को डिस्कस कर लिया था, उसी के आगे बढ़ते हैं और फर्दर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए थे एंड लेट्स मूव अहेड। ये तो रह गए थे हमारे, कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। ये तो हो गए थे सारे, ये भी हो गया था। हाँ, हमने इक्वेशन तक कर लिया था, इक्वेटर कर लिया था, इक्विस्टेरियन यहाँ तक कर लिया था, इक्विवोकल भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आपका पहला आज का टर्म है, लिखा है वोसीफेरस। वोसीफेरस देखिए आप नोट करते जाइएगा जो जो चीज़ें मैं बताऊं। अगर आपका सफिक्स यहाँ क्या है OUS, अगर एंड में सफिक्स OUS है तो आपका ये वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो OUS है इसलिए ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। VOX या वोसिस का मतलब क्या हो जाता है, वॉइस, क्या मीनिंग है, वॉइस आपका। और फेरो का मतलब क्या होता है, फेरो का मतलब हो जाता है बियर, फेरो का मतलब क्या है, टू बियर। तो वोसीफेरस, वोसीफेरस का मीनिंग क्या हुआ, कॉन्स्पिकुअसली एंड ऑफेंसिवली लाउड गिवन टू वेहमेंट आउटक्राई, कॉन्स्पिकुअसली एंड ऑफेंसिवली लाउड गिवन टू वेहमेंट आउटक्राई, यानी कि बहुत पुरजोर तरीके से मांग करना। जैसे अब वोसीफेरस ये क्या है, एडजेक्टिव, अगर आप एडजेक्टिव में ly लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब। अगर मैं इसी का एडवर्ब बनाना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, वोसीफेरसली, यानी कि ही पुट हिज डिमांड्स वोसीफेरसली, उसने अपनी डिमांड को बहुत ही वोसीफेरसली रखा, यानी कि बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा। सिनोनिम्स में आप यहां पर लिख सकते हैं स्ट्राइडेंट भी। मीनिंग क्या हुआ, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, यानी कि पूरी जोर से पूरी ताकत से अपनी बात को रखना, अपने ओपिनियंस को अपनी फीलिंग्स को बहुत ही लाउड और कॉन्फिडेंट वे में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, वोसीफेरस। जैसे कि ये लेडी अपनी बात को रख रही है तो वोसीफेरसली डिमांड करना, ब्लेटेंट कह सकते हैं, कैटरवॉलिंग कह सकते हैं, स्ट्राइडेंट कह सकते हैं, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा नॉइजलेस, क्वाइट या फिर साइलेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही वॉज अ वोसीफेरस अपोनेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि वो कंजर्वेटिज्म को बहुत ही वोसीफेरसली अपोनेंट अपोज करता था, यानी कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, अपनी पुरजोर तरीके से बात रखता है, अपने पूरी ताकत से अपनी बल से अपनी उस बात को अपोज करता है, उस सेंस में आता है वोसीफेरस। ठीक है, तो वोसीफेरस समझ में आ गया, वोसीफेरस का मतलब हो गया कॉन्स्पिकसली एंड ऑफेंसिवली लाउड गिवन टू वेमेंट आउटक्राई, यानी कि पूरी जोर लगा के अपनी बात को कहने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड वोसीफेरस, ठीक। अब वॉक्स या फिर वोसिस का मीनिंग क्या है, वॉइस, ये तो आपको बता ही दिया, इसी से आपका वर्ड बनता है वोकल। वोकल का मतलब क्या हो जाता है, एक्सप्रेस्ड और कम्युनिकेटेड बाय वॉइस, यानी कि जो वॉइस आपकी बात से कहा जाए उसे वोकल कहते हैं। सिनोनिम आपका ओरल हो जाएगा, स्पोकन, अटर्ड, वॉइस्ड हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा नॉन वोकल। आर कैट इज गिवन टू मेकिंग स्ट्रेंज वोकल नॉइसेज इन द डेड ऑफ नाइट, हमारी कैट जो है रात में अजीब अजीब तरीके की आवाजें निकालती है, तो वोकल का मतलब क्या हुआ, आवाज। अगला हमारा वोकल से ही टर्म बना वोकलाइज,
आईजेड अगर हम किसी चेंज में लगाते हैं आईजेडई तो वो वर्ब बनता है, तो वोकलाइज, यानी वोकलाइज का वर्ब बन गया, वोकलाइज वोकल का वर्ब बन गया, वोकलाइज मतलब हो गया किसी भी बात को अपने शब्दों में पिरो के कहना, टू एक्सप्रेस अ थॉट और इमोशन इन वर्ड्स, शब्दों में या किसी बात को कहने के लिए आ जाता है वोकलाइज। सिनोनिम हो जाएगा आर्टिकुलेट, ब्रिंग आउट, यानी किसी बात को आर्टिकुलेट करना या ब्रिंग आउट करना उस सेंस में आ जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा स्टिफल या सरपास, सॉरी सप्रेस मतलब दबाना। फॉर एग्जाम्पल द डॉग वोकलाइज्ड हिज पेन इन अ सीरीज ऑफ लॉन्ग हाउल्स, तो आपने देखा होगा कि कुत्ते कई बार रोते हैं और वो अपने पेन को एक्सप्रेस करते हैं, तो वोकलाइज किया मतलब शब्दों में पिरोना। वोकलिस्ट क्या हो जाएगा अगर किसी सेंस में टर्म में आई एस टी अगर किसी में लगता है तो वो बन जाता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। और आई एस टी सफिक्स का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है एक्सपर्ट, तो वोकलिस्ट मतलब हो गया जो आवाज में एक्सपर्ट है, यानी कि जो पर्सन सिंगर है उसे कहेंगे, सिंगर सॉन्गस्टर या वोकलाइजर हो जाता है, ठीक है। वोकलाइज आपका क्या है, वर्ब है, और अगर किसी वर्ब में अगर आप किसी वर्ब में ई आर या फिर ओ आर सफिक्स लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वोकलाइजर कॉमन नाउन बन गया, शी वॉज वोटेड द बेस्ट फीमेल वोकलिस्ट, उसे बेस्ट फीमेल वोकलिस्ट कहा गया था, ठीक है। टिटिलेट, टिटिलेट का मतलब क्या होता है, टिटिलेट आपका वर्ब है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है टू कॉज अ प्लेजरेबल स्टिमुलेशन ऑफ द फीलिंग्स, यानी कि प्लेजरेबल स्टिमुलेशन ऑफ फीलिंग्स, टिटिलेट करना, टिटिलेट का मतलब हो जाता है आपका टिटिलेट। टिटिलेट से दो टर्म आते हैं, टिटिलेट होता है, टिटिवेट। टिटिलेट का मतलब हो गया, टिटिलेट में आपका देखिए दो जो रूट वर्ड आया वो है आपका टिटिलेट, ये अपने आप में रूट वर्ड है बेसिकली, और इसका मतलब होता है टिटिलेट, दिस वॉज द रूट वर्ड, और ये आपका कैसा रूट वर्ड है, ये आपका लैटिन रूट वर्ड है, मीनिंग इसका हो जाता है आपका टिकल्ड, टिकल करना, टिकल मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना, ठीक। तो अब टिटिलेट का मतलब हो गया टू इंटरेस्ट और एक्साइट समबडी स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे, ठीक है, मतलब किसी को सेक्सुअली एक्साइट करना, टू इंटरेस्ट और एक्साइट समवन या गुदगुदी करना एक तरीके से स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे। इस कॉल्ड टिटिलेट। सिनोनिम हो जाएगा चार्ज, इलेक्ट्रीफाई, एक्साइट। एंटोनिम हो जाएगा डिमोलराइज, डिमोरलाइज या डिस्करेज। फॉर एग्जाम्पल सो मैनी एडवर्ड्स नाउ अ डेज आर डिजाइंड टू टिटिलेट, तो कई सारे एडवर्ड्स जो हैं वो डिजाइन हैं टिटिलेट करने के लिए, उस सेंस में आ जाएगा। नाउन हो जाएगा टिटिलेशन, ठीक है। अगर ए टी आई ओ एन अगर आप किसी में लगाते हैं तो वो नाउन बनता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है। अब देखो अगला टर्म आपका है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाता है पता ही है आप सभी लोगों को। कॉम्प्लीमेंट को आप जरूर याद रखिए, जो इटालियन आपका ये कॉम्प्लीमेंटो, एक कॉम्प्लीमेंटो इटालियन वर्ड था, वहाँ से आता है, जिसका मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कर्टसी, यानी कि कर्टसी का फुलफिलमेंट। मीनिंग क्या हो गया, एन एडमायरिंग पर्सनल रिमार्क, किसी को एडमायरिंग पर्सनल रिमार्क, जैसे कि नाइस वर्क, कहना किसी को कि जो अच्छा लगे, एक ऐसा रिमार्क, एक ऐसी बात जो सामने वाले को बेहतर लगे, उसे कहते हैं आपका एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लैटर या फिर प्रेज, एंटोनिम हो जाएगा इंसल्ट। दे पेड हिम अ हाई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया, उनकी तारीफ करी। इसके लिए आप एक वर्ड नोट कर लीजिए, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपका कि आप, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया कि आप एक तरीके से किसी को दे तो कॉम्प्लीमेंट रहे हो, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट कम, एक टॉन्ट ज़्यादा है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है आपका कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सामने वाले को बुरा लगे, उसे कहते हैं आपका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझ में आया, जैसे अक्सर महिलाएं करती हैं क्या, कि वो एक ऐसा सामने वाले की तारीफ भी करेंगे और वो एक तरीके से टॉन्ट भी होगा। तो एन एडमायरिंग रिमार्क विच कैन बी अंडरस्टूड एज टॉन्ट एज वेल, ठीक है, किसी को टॉन्ट के रूप में भी वो काम कर सकता है, उसे कहेंगे आपका
ठीक है, मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो कोई अगर एक किसी लेडी से किसी ने कहा कि दैट ड्रेस इज लवली, दैट ड्रेस इज लवली, ठीक है, इट डज वंडर्स टू योर फिगर, इट डज वंडर्स फॉर योर फिगर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक तरफ तो ड्रेस की तारीफ कर दी कि ड्रेस बड़ी अच्छी है, दूसरी तरफ आपने उसे ये भी कह दिया कि वो उसका फिगर को वंडर कर रही है, यानी कि इसका फिगर उतना अच्छा है नहीं, वो ड्रेस की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो एक तरीके से किसी के लिए बुरा भी काम कर रहा हो, ठीक है, मतलब किसी के लिए टॉन्ट का भी काम कर सकता है। चलिए अगला टर्म होता है एड्यूलेशन, ठीक है, अगला टर्म है आपका एड्यूलेशन। एड्यूलेशन क्या आता है, एड्यूलेशन का रूट वर्ड क्या है आपका, एड्यूलरी। एड्यूलेशन का रूट वर्ड है आपका एड्यूलरी, मतलब होता है फॉन ऑन। क्या मतलब होता है, फॉन ऑन। अब आप कहेंगे फॉन ऑन का मतलब क्या है, फॉन ऑन का मतलब हो जाता है आपका कि फॉन एक वर्ब के रूप में अगर बात करें तो मतलब हो जाता है टू ट्राई टू प्लीज समबडी बाई प्रेजिंग देम, किसी को तारीफ करके किसी को खुश करने की कोशिश करना, टू प्लीज समवन बाई प्रेजिंग, बाई प्रेजिंग। तो एड्यूलरी वहीं से आ गया, एड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, एड्यूलेशन का मतलब हो गया एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ और डिवोशन टू अ पर्सन, किसी की बहुत अधिक तारीफ करना जितनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं एड्यूलेशन। सिनोनिम हो जाएगा डायफिकेशन, हीरो वर्शिप। एंटोनिम हो जाएगा डिसफेवर, डिसलाइक। द बुक वॉज रिसीव्ड विद एड्यूलेशन बाई क्रिटिक्स, यानी कि क्रिटिक्स ने किताब की तारीफ भी करी, ठीक है। एड्यूलेटरी, एड्यूलेटरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नाउन को अगर आपने एडजेक्टिव बनाना है तो टी ओ आर वाई भी लगा के आप बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनता है, एग्लेटरी। अगला टर्म है आपका प्रोस्क्राइब, ध्यान रखिए दो टर्म होते हैं, आपने एक टर्म पढ़ा होगा प्रेस्क्राइब, डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है, और वही डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें प्रोस्क्राइब भी करता है। तो प्रेस्क्राइब हो जाता है जो चीज़ें आपको लेनी हैं, जो चीज़ें आपको लेनी हैं, दैट दोज आर कॉल्ड प्रेस्क्राइब, ठीक है। प्रेस्क्राइब का मतलब हो गया जो चीज़ें आपको लेनी है, प्री मतलब हो गया बिफोर, और स्क्राइब, अगर आपको पता हो एक स्क्रिबल करके सॉफ्टवेयर भी आता है उसमें आप लिख सकते हो, तो स्क्राइब मतलब हो जाता है टू राइट। जैसे आपने देखा होगा ना, जो थोड़े से जिनकी आई सीट वीक होती है ऐसे एस्पायरेंट्स को स्क्राइब का मौका मिलता है, वो स्क्राइब साथ ले जा सकते हैं, स्क्राइब मतलब जो उनका पेपर लिखेगा, ठीक। तो प्रीस्क्राइब मतलब समझ में आ गया, अब इसी से दूसरा टर्म बना प्रोस्क्राइब, तो स्क्राइब मतलब हो गया टू राइट, प्रो मतलब बिफोर, ठीक। तो प्रोस्क्राइब दोनों का ही मतलब है, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब हो जाता है जो चीज़ें आपको लेनी है, और प्रोस्क्राइब का मतलब हो जाता है जो चीज़ें आपको नहीं लेनी, दोज आर कॉल्ड प्रोस्क्राइब, ठीक है। तो मीनिंग हो गया इन ऑर्डर टू नॉट डू और यूज टू बी डन, जो चीज़ें आपको नहीं करनी, बैन, बार या एंजॉइंग। सिनो एंटोनिम हो जाएगा अलाउ, लेट, परमिट, सफर, इसी में आप लिख लीजिए प्रेस्क्राइब। हाँ, तो प्रेस्क्राइब हो जाता है जो चीजें आपको लेनी है, प्रोस्क्राइब जो नहीं लेनी। दे आर प्रेस्क्राइब्ड बाय फेडरल लॉ फ्रॉम ओनिंग गन्स, यानी कि उनको गन रखने से मना किया गया है बाय फेडरल लॉ। नाउन क्या हो जाएगा, प्रेस्क्रिप्शन, आपका प्रोस्क्रिप्शन हो जाएगा इसका नाउन, और एडजेक्टिव हो जाएगा प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। चलिए प्रोस्क्राइब आपका प्रोस्क्रिप्शन इसका नाउन हो जाएगा और प्रोस्क्रिप्टिव इसका एडजेक्टिव भी हो जाएगा। चलिए अगला टर्म है आपका डिस्क्राइब, ठीक है, अगला टर्म क्या है आपका डिस्क्राइब। डी मतलब डाउन, स्क्राइब मतलब राइट, मतलब राइट डाउन, समझ में आ गया। डिस्क्राइब मतलब राइट डाउन, टू गिव अ रिप्रेजेंटेशन और अकाउंट इन वर्ड्स, लिखना। जैसे मैं आप सभी के सामने इन शब्दों का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेलिनिएट, डेपिक्ट, किसी चीज़ को डेपिक्ट करना। एंटोनिम हो जाएगा फॉल्सिफाई या गाबल। द पुलिस आस्क्ड हर टू डिस्क्राइब द टू मैन, पुलिस ने उससे कहा कि वो उन दो व्यक्तियों को डिस्क्राइब करे, उनके बारे में जानकारी दे। नाउन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। अगला टर्म है आपका सब्सक्राइब, आप सभी लोगों से कहते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को पहले। सब्सक्राइब मतलब सब मतलब हो गया अंडर, स्क्राइब मतलब राइट, मतलब हो गया टू गिव और एक्सप्रेस वंस अप्रूवल। तो जल्दी से आप लोग अपना अप्रूवल चैनल को दो, अगर नहीं किया है
तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। सिनोनिम हो जाएगा एक्सीड, एक्वाइस या अग्री, यानी कि आप मेरी बात से सहमति रखते हो। एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सब्सक्राइब फॉर सम नॉवेल्स, मैं कुछ नॉवेल्स को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। नाउन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, एडजेक्टिव आ जाएगा सब्सक्रिप्टिव। ठीक है, अगला टर्म है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट। मैनस रूट वर्ड है आपका यहाँ पर मैनस। मैनस का मतलब होता है हैंड, स्क्राइब का मतलब हो गया टू राइट। सो मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग हो जाता है राइटिंग डन बाई हैंड, जो हाथ से लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड आपका मैन्यूस्क्रिप्ट। सिनोनिम हो जाएगा हैंड राइटिंग, लॉन्ग हैंड। ठीक, और एंटोनिम हो जाएगा प्रिंट टाइप या टाइप राइटिंग। आई ओनली हैव वन कॉपी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि मेरे पास हस्तलिखित सिर्फ एक ही कॉपी है। तो मैन्यू जिसमें भी आएगा वो क्या होगा, हैंड। अब स्क्रिप्चर्स इसी से आया, स्क्रिप्चर्स मतलब हो जाता है समथिंग रिटन, जो रिटन फॉर्म में है उसे हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं। शी रेड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स मतलब जो लिटरेचर है, जो स्क्रिप्चर साहित्य उपलब्ध है उससे उसने पढ़ा। अब अगला टर्म आता है आपका इंस्क्राइब। तो आप सभी लोग मैथ्स में पढ़ते हो इंस्क्राइब्ड सर्कल्स। इन मतलब हो गया आफ्टर, इनसाइड किसी के, स्क्राइब हो गया लिखना, टू राइट इनग्रेव और प्रिंट एज अ लास्टिंग रिकॉर्ड, उसे हम कहते हैं इंस्क्राइब। जैसे एच करना, ग्रेव पर लिख देना, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब। ठीक है, तो इंस्क्राइब मतलब हो गया टू राइट और कट वर्ड्स योर नेम ऑन टू समथिंग। ठीक है, टू राइट और कट वर्ड्स ऑन टू समथिंग, किसी पर अपने शब्दों को उकेर देना। सिनोनिम हो जाएगा एच या फिर ग्रेव। फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम हैड बीन पर्सनली इंस्क्राइब्ड बाय द ऑथर, इस वॉल्यूम को ऑथर ने पर्सनली लिखा है। अगला टर्म है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। आप सभी लोग फेसबुक पे, जैसे मैं कई बार लिखता हूँ आर्टिकल, कोई भी स्टेटस डाला, जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, नहीं करते तो फेसबुक पे जाके सर्च करिएगा त्रिवेदी अमन 25, मिल जाऊँगा मैं। और वहाँ पे जैसे कुछ लिखते हैं उसके बाद पीएस लिख देते हैं, पीएस ऐसा ऐसा। तो पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, मतलब अ नोट अपेंडेड टू अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, उसे कहेंगे आपका पीएस। शी मेंशन्ड इन अ पोस्टस्क्रिप्ट टू हर लेटर दैट द पार्सल हैड अराइव्ड, यानी कि लेटर के पोस्टस्क्रिप्ट में उसने लिखा कि पार्सल आ गया है। ऑब्वियस, वाया का मतलब होता है रोड। कहते ना कि आपकी ये बस कैसे जाएगी, दिल्ली टू कानपुर वाया अलीगढ़, तो वाया मतलब दिल्ली अलीगढ़ की रोड से। अब इसी में आपका टर्म आया ऑब्वियस। ठीक है, इसी से आपका टर्म आया ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या हुआ, वर्ड किसे बना, वाया से। तो अब इसमें देखिए ous किसी में लगेगा तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, और वाया मतलब हो गया आपका इन द वे। ठीक, तो ऑब्वियस जो है, ये ऑब्वियस जो है आपका आता है फ्रॉम द फ्रेज obvium, मतलब इन द वे, मीनिंग हो जाता है इजिली डिस्कवर्ड और सीन और अंडरस्टूड, यानी कि जो ऑन द वे है उसको बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। तो ऑब्वियस आंसर हो जाएगा क्लियर, डिसाइडेड। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो ऑब्वियस मतलब क्या हो गया, क्लियर या फिर डिसाइडेड। और एंटोनिम हो जाएगा क्रिप्टिक या फिर डार्क। ठीक है, तो ऑब्वियस का मतलब क्या हुआ आपका, ऑब्वियस जो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही उसमें किसी में आपको कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, दैट्स वेरी क्लियर। ठीक है, आप लिख सकते हो ऑब्वियस के सिनोनिम्स के रूप में ल्यूसिड, लिम्पिड, विविड, कोहरेंट, एक्सप्लिसिट, जो बहुत ही क्लियरली विजिबल है। और एंटोनिम्स में आप लिख सकते हो ऑब्स्क्योर, हेजी, वेग, और आपका इनकोहरेंट। ठीक है, इनकोहेट मतलब हो जाता है विच इज अनक्लियर। सी स्टेट फॉर ऑब्वियस रीजंस, यानी कि वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से रुकी वहां पर जो प्रत्यक्ष थे। और एक वेग हो गया, और एक और होता है वोग। वोग होता है आपका फैशन से रिलेटेड। ठीक है, वोग एक ब्रांड भी है वोग। अगला टर्म आता है वेट से ही ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब हो गया टू कीप फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन इन एडवांस, यानी कि किसी काम को होने से रोक देना। आप ऑब्विएट कर रहे हो, यानी कि आप किसी कार्य को होने से रोक दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हो गया इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो प्रेक्लूड, प्रीक्लूड, मतलब टू रिमूव अ प्रॉब्लम और नीड फॉर समथिंग, किसी प्रॉब्लम वगैरह को रिमूव करने के लिए आता है ऑब्विएट। ठीक है, तो ऑब्विएट मतलब हो गया आपका किसी प्रॉब्लम को रिमूव करना। ठीक, ऑब्विएट, ऑब्विएट में जो आपका ऑब्विएट, इसका जो वर्ड आया है इसका मतलब हो जाता है प्रिवेंटेड, और आपका रोड उस रूट वर्ड हो गया ऑब्विएट का, तो मतलब किसी चीज़ को होने से रोकना।
एंटोनिम हो जाएगा अबेट, एड या असिस्ट मतलब मदद करना. और द प्रैक्टिस अबव सजेशंस, द प्रैक्टिस अबव सजेस्टेड शुड ऑब्विएट दिस, यानी कि जो प्रैक्टिस ऊपर सजेस्ट की गई है वो इस समस्या को जरूर सॉल्व कर देना चाहिए. ऑब्विएशन क्या हो जाता है आपका, इसी का नाउन हो जाएगा. ठीक है, अगला है आपका ट्रिवियल. ट्रिवियल मतलब हो जाता है बहुत ही तुच्छ. ट्राई मतलब हुआ थ्री, वाया मतलब रोड, ऑफ लिटिल वर्थ और इम्पॉर्टेंस, यानी कि ट्रिवियल का मीनिंग हो गया जिसकी वर्थ नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे कहते हैं ट्रिवियल. सो डू नॉट कम टू मी फॉर द सच ट्रिवियल रीजंस, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर मत आइए. तो ट्रिवियम इज कॉल्ड अ प्लेस वेयर थ्री रोड्स मीट, और वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी कि चार रोड्स जहाँ मिलती हैं उसे कहते हैं. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा फिडलिंग, फुलिश या फ्रिवोलस. एंटोनिम हो जाएगा बिग या कॉन्सिक्वेंशियल. दे ऑलवेज स्पार ओवर ट्रिवियल मैटर्स, यानी कि वो सिर्फ छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं. ट्रिवेलिटीज इसका नाउन हो जाएगा. अगला है मिलिटेट. अब वर्ड आया मिलिटिस. मिलिटिस का मतलब होता है सोल्जर, और वर्ड वर्ब बना इसी से मिलिटेट. मीनिंग हो जाएगा हैव फोर्स और इन्फ्लुएंस, ब्रिंग अबाउट एन इफेक्ट और चेंज. मतलब मिलिटेट करना मतलब अपने आप में फोर्स होना, या आप किसी चेंज को ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिलिटेट. ठीक है, तो मिलिटेट का मतलब हो गया आपका कि टू प्रिवेंट, मिलिटेट अगेंस्ट समथिंग मतलब हो गया किसी काम को होने से रोकना. ठीक है, तो मिलिटेट आपका क्या है, वर्ब है, और जो मिलिटी मिलिशिया से मिलिटीज से बना है मतलब हो गया सोल्जर. इंक्रीज्ड कॉस्ट विल मिलिटेट अगेंस्ट फर्दर इनलार्जमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो बढ़ी हुई कॉस्ट है वो मिलिटेट अगेंस्ट, वो उसके लिए काम करेगी कि एटलीस्ट जो बिल्डिंग्स हैं वो उतनी बड़ी नहीं होंगी. नाउन हो जाएगा मिलिटेंसी. एडजेक्टिव मिलिटेंट हो जाता है, जिन्हें आप एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हो, जिन्हें उग्रवादी भी आप कहते हो. और मिलिट्री आपको पता है, मिलिशिया, द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ नेशन, उन्हें कहते हैं आर्म फोर्सेज, सर्विस या ट्रूप्स कह सकते हैं. एंटोनिम हो जाएगा नॉन मिलिट्री. द मिलिट्री हॉस्पिटल्स विल फिट एनी वुंडेड सोल्जर्स और फॉर अ फॉल्स लेग. अब देखिए अगला वर्ड आता है मैलस. मैलस का मतलब होता है बैड या फिर एविल. इसी से वर्ड बना मेलाइन. मेलाइन होता है आपका टू स्पीक अनफेवरेबली अबाउट, यानी किसी की बुराई करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना. जैसे ये लड़का इस लड़की को, इस व्यक्ति के बारे में भला बुरा कह रहा है, कान भर रहा है, दिस इज कॉल्ड मेलाइन. सिनोनिम हो जाएगा एस्पर्स, ब्लैकन, कैलुमिनेट मतलब किसी की किसी की छवि खराब करना, धूमिल करना. एंटोनिम हो जाएगा बेनिग्नेंट या लविंग. फॉरेन डोमिनेशन हैड अ मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑन लोकल पॉलिटिक्स, यानी कि फॉरेन डोमिनेशन की खराब इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स पर. एंटोनिम हो जाएगा मेलिग्नेंसी और मेलिग्नेंट. मेलिग्नेंट का मतलब ये भी होता है अगर डिसीज की बात करें, सो दिस डिसीज इज मेलिग्नेंट, मतलब ये डिसीज डेथ कॉज कर सकती है. अब मेलेडिक्शन क्या हो जाता है, डिक्ट मतलब होता है कुछ कहना, मेले मतलब बुरा, मतलब द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इनवोक्स एविल, यानी कि किसी को श्राप देना क्या कहलाता है, मेलेडिक्शन. सिनोनिम हो जाएगा एनेथीमा, बैन या कर्स. एंटोनिम हो जाएगा बेनेडिक्शन, बेनिसन या ब्लेसिंग, किसी को ब्लेसिंग करना, किसी को ब्लेस देना. शी वॉज आंसर्ड विद अ टॉरेंट ऑफ मेलेडिक्शन, यानी कि उससे बहुत सारा टॉरेंट ऑफ मेलेडिक्शन, यानी कि बहुत कर्स किया गया. एडजेक्टिव हो जाएगा मेलेडिक्ट्री. अगला है आपका मैलस, बैड से ही आया. अगला वर्ड आया वोलो. वोलो का मतलब होता है विश, ठीक है, कुछ इच्छा करना. तो मेलेवोलेंट का मतलब हो जाता है हैविंग और शोइंग और अराइजिंग फ्रॉम इंटेंस ऑफ एन विशियस विल. मेलेवोलेंट का मतलब हो गया कि किसी को भला बुरा, एक तरीके से किसी के बारे में बुरा चाहना, ठीक है. तो मेलेवोलेंस उसी से आता है मेलेवोलेंट. मेलेवोलेंट आपका एडजेक्टिव हो गया. मेलेवोलेंस ई एन सी ई आएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मेलेवोलेंस हो गया नाउन. मतलब हो गया हैविंग और शोइंग अ डिज़ायर टू हार्म अदर पीपल, दूसरों को भला बुरा चाहने वाला की इच्छा को हम क्या कहेंगे, मेलेवोलेंट. सिनोनिम हो जाएगा एविल, मेलेफिक या मेलाइन. एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंट या बिनाइन. द सेंट्रल कैरेक्टर इज अ मेलेवोलेंट विच आउट फॉर रेवेंज. अगला है मेलेफिशेंट. तो मेलेफिशेंट आप देख सकते हो, जैसे एक मूवी में ये कैरेक्टर भी था. और फैशियो मतलब होता है टू डू और मेक. तो मतलब हो गया मेलेफिशेंट हार्मफुल और एवल इन इंटेंट और इफेक्ट. जो हार्मफुल है उसे कहेंगे मेलेफिशेंट. सम टीवी प्रोग्राम्स आर मेलेफिशेंट टू ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी टीनेजर्स की ग्रोथ के लिए कुछ काफ़ी बुरे हैं. मेलेफैक्टर वह व्यक्ति जो बुरा ही कॉज कर रहा है. अड्रॉइट मतलब राइट हैंड, मतलब स्किल्ड. मेला मतलब बैड, यानी कि जो लैक स्किल्ड है, नॉट स्किल्ड है उसे कहेंगे आप. आपका है लैकिंग और शोइंग अ लैक ऑफ निम्बलनेस और इन यूजिंग वंस हैंड, यानी कि जो अपने हाथों को अच्छे से इस्तेमाल ना कर पाए,
उसे हम कहेंगे मेलेड्रॉइड। सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड, बटरफिंगर्ड या क्लम्सी। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट या मास्टरली। बटरफिंगर्ड हम उसे कहते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके हाथों से कुछ चीज़ें गिरती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं बटरफिंगर्ड। ठीक है, कुछ भी उठाया गिर गया। शी कैन बी अ लिटिल मेलेड्रॉइड इन सोशल सिचुएशंस। मेलेड्रॉइडनेस आपका नेस लगा देंगे अगर किसी एडजेक्टिव में आप, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। मेलिशियस, मेलिशियस हो जाता है दुर्भावना, किसी के अंदर बुरी भावनाएं हैं किसी को लेकर, मेलिशियस हो गया OUS। मैलिस हो जाता है इल विल, फीलिंग अ नीड ऑफ टू सी अदर्स सफर, यानी कि दूसरों को आप सफर करते हुए देखना चाहते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं। मेलेडी, मेलेडी हो जाता है बीमारी, मेलिस बीमारी, डिसीज हो जाता है आपका। और मेलेजस्टेड का हो जाता है वेल नॉट एडजस्टेड, मतलब अच्छे से एडजस्ट नहीं किया हुआ है। ठीक, अगला वर्ड हमारा मेल से ही आ रहा है, मेलेकॉन्टेंट। मेलेकॉन्टेंट मतलब हुआ अ पर्सन हु इज़ डिसकंटेंटेड और डिसगस्टेड, जो अच्छे संतुष्ट नहीं है अपने आप को, उसे कहेंगे मेलेकॉन्टेंट। ठीक है, मतलब जो डिसकंटेंटेड है और संतुष्ट नहीं है उसे कहेंगे आपका मेलेकॉन्टेंट, मतलब अ पर्सन हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद अ सिचुएशन। मेले प्रैक्टिस मतलब मेल प्रैक्टिस, जैसे पिछले हमारे जो खुराना साहब थे SSC वाले, वो बार बार कह रहे थे कोई भी मेल प्रैक्टिस नहीं है, कोई भी मेल प्रैक्टिस नहीं है, मतलब कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं है एग्जाम में। प्रोफेशनल रॉन्ग डूइंग दैट रिजल्ट्स इन इंजरी और डैमेज। मेल न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन को बुरा करता हो। ठीक है, इसी से अगला वर्ड आता है बोनस या बेने का, मतलब हो गया गुड। वर्ड आया आपका बिनाइन, बिनाइन हो जाता है नॉट कॉजिंग और बीइंग कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी और हर्ट, यानी कि जो भला चाहता है। मेलाइन था, मेलाइन का जस्ट अपोजिट हो गया बिनाइन, जो भला चाहता है, और बेनिग्नेंट इसी का नाउन हो जाएगा। एनोडिनी हार्मलेस, हर्टलेस हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा एडवर्स, बैड या बेलफुल। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स में आप मेलाइन लिख सकते हो इसमें। अराउंड कैंपस ही इज नोन एज अ रियल कैरेक्टर बट वन हुज इसेंट्रिसिटीज आर एंटरली, वन हुज इसेंट्रिसिटीज आर एंटरली बेनाइन, यानी कि उसको एक अच्छे व्यक्ति की तरह जाना जाता है और उसकी इसेंट्रिसिटी बिल्कुल ही बेनाइन है, बिल्कुल ही अच्छी है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। नॉन बिनाइनिटी नाउन हो जाएगा बिनिनिटी और बिनिग्नेंसी। अगला वर्ड है आपका बोनस। बोनस क्या होता है, गुड आपका, तो वर्ड आया बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब हुआ अ प्रेयर कॉलिंग फॉर डिवाइन केयर प्रोटेक्शन और फेवर, दैट इज कॉल्ड बेनेडिक्शन। अ प्रेयर कॉलिंग फॉर डिवाइन केयर प्रोटेक्शन और प्रेयर फेवर इज कॉल्ड बेनेडिक्शन। ठीक, बेनेडिक्ट मतलब आशीर्वाद, बेनेडिक्शन आप आरती वगैरह जिसे कहते हैं उसे कहते हैं बेनेडिक्शन। बेनिशन ब्लेसिंग कहेंगे। एंटोनिम हो जाएगा एनेथीमा या कर्स, किसी को श्राप देने से रिलेटेड आएगा। और द प्रीस्ट ऑफर्ड अ बेनेडिक्शन फॉर द मिसिंग चिल्ड्रन, यानी कि प्रीस्ट ने बेनेडिक्शन किया, यानी कि प्रेयर की मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो बेनेडिक्शन हो जाता है प्रेयर, बेनेडिक्ट्री इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। बेनिफैक्टर हो जाता है आपका वह व्यक्ति जो अच्छा चाहता है, वन दैट हेल्प्स अनदर विद गिफ्ट्स और मनी, उसे कहेंगे बेनिफैक्टर, जो गिफ्ट या मनी देता है उसे कहेंगे बेनिफैक्टर। सिनोनिम हो जाएंगे एंजल या डोनेटर या डोनर। एंटोनिम हो जाएगा डोनी, गिफ्टी या रेसिपिएंट। और एन एनोनिमस बेनिफैक्टर गेव द स्कूल अ डजन न्यू कंप्यूटर्स, यानी कि एक एनोनिमस बेनिफैक्टर ने स्कूल को एक दर्जन नए कंप्यूटर दिए। नाउन हो जाएगा बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल। बोनस होता है आपको ऑफिस में मिलता है एक्स्ट्रा पेमेंट, और बॉनबॉन होता है एक स्वीट। ठीक है, बॉनबॉन हो गया और एक्स्ट्रा पेमेंट जो मिलता है दैट इज कॉल्ड बोनस। बोनाफाइड, आपको अपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। फाइड मतलब ट्रस्ट, बोना मतलब गुड, यानी कि बीइंग एग्जैक्टली एज अपीयर्स एज क्लेम, बिल्कुल आपको सत्यता प्रमाणित करने वाले डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ऑथेंटिक या सर्टिफिकेट। एंटोनिम हो जाएगा फेक, फॉल्स या मॉक। एग्जाम्पल के तौर पे मेक श्योर यू आर डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी, आप ये श्योर करिए कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। फाइड से ही दूसरा वर्ड आता है इन, मतलब हो गया नॉट। इनफिडल मतलब हो गया अ पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गॉड, यानी कि जो आपके गॉड को एक्नॉलेज नहीं करता उसे हम इनफिडल कहते हैं। फिर सिनोनिम हो गया अनबिलीवर, जो विश्वास नहीं करता। एंटोनिम हो जाएगा कन्फर्मर या कन्फर्मिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ही प्रोमिस टू कंटिन्यू द फाइट अगेंस्ट इनफिडल फोर्सेज, यानी कि उसने ऐसे फोर्सेज के से फाइट को करना कंटिन्यू रखा जो लोग भगवान में भरोसा नहीं करते थे। इनफिडिलिटी, इन मतलब हो जाता है नॉट, और ये आप देख सकते हो इनफिडिलिटी का करेक्ट एग्जाम्पल है द क्वालिटी ऑफ बींग अनफेथफुल। ठीक है, इनफिडिलिटी जो है आपका रिलेशनशिप में ही आता है, जैसे अगर आप अपने पार्टनर के साथ में लॉयल नहीं हो तो उसे इनफिडिलिटी कहेंगे, डिसलॉयलिटी या फेथलेसनेस कहेंगे। एंटोनिम हो जाएगा एलिजियंस या कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंसी।
इनफिडेलिटी कैन लीड टू डिवोर्स, ठीक है। अगला वर्ड आपका है जस्ट अ सेकेंड, चलिए लेट्स मूव अहेड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिको या डिक्टस, मतलब होता है टू से या फिर टेल। डिक्टेट मतलब हो जाता है रूल एज अ डिक्टेटर, अपनी बात को कहना बस, ठीक है। और डिक्टेट कर रहे, जैसे मैं आप लोगों को कोई इमला बोलूँ तो आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो। डिक्टेटर हो जाता है वह व्यक्ति जो रूल करता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एन टिरेनिकल मैनर, यानी कि जो लोगों पर अत्याचार करता है उसे डिक्टेटर कहेंगे, तानाशाह। डिक्टेशन मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन्हें हम डिक्टेशंस कहेंगे। और डिक्टेटोरियल हो गया वह व्यक्ति ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एडजेक्टिव हो जाएगा डिक्टेटोरियल। अगला है प्रिडिक्ट, प्री मतलब होता है बिफोर और डिक्ट मतलब टू से, मतलब टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट, टेल इन एडवांस, किसी को पहले ही बता देना उसे कहेंगे प्रिडिक्ट। मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट या टेल इन एडवांस इज कॉल्ड प्रिडिक्ट। सिनोनिम हो जाएगा फोरकास्ट करना या फोरटेल करना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फ्यू ऑफ अस आर नेचुरली एम्बिडेक्स, ये हटा दीजिए, सिनोनिम गलत है। प्रेडिक्ट मतलब होता है आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो, यानी आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहेंगे प्रेडिक्ट, ठीक है। पहले से ही बता देना क्या होने वाला है। अगला है डिक्टाफोन, डिक्टाफोन क्या है, फोन हो गया साउंड, डिक्टा मतलब टू कहना, अ टेप रिकॉर्डेड दैट रिकॉर्ड्स और रिप्रोड्यूसेस डिक्टेशन, जो आप बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड कर ले, उसे हम कहते हैं डिक्टाफोन। ही वॉक्स एवरी डे विद हिज विद अ डिक्टाफोन टू रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशंस। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा होता है अगेंस्ट, डिक्ट मतलब कहना, तो कॉन्ट्रडिक्ट मतलब हो गया अगेंस्ट कहना, मीनिंग हो गया टू मेक एन असर्शन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू वन मेड बाय अनदर, यानी कि एक ऐसी बात को कहना जो कि दूसरे से कही हुई से कॉन्ट्रडिक्टरी है, अलग है, अगेंस्ट है। सिनोनिम हो जाएगा डिसएग्री विद या गेन से, एंटोनिम हो जाएगा अग्री विद या कॉन्कर विद। नो मैटर व्हाट आई से यू ऑलवेज हैव टू कॉन्ट्रडिक्ट मी, कुछ भी मैं कहूँ आप हमेशा मुझे कॉन्ट्रडिक्ट ही करते हो। फैक्ट्री, फैशियो मतलब हो गया टू मेक, फैक्ट्री मतलब हो जाता है अ बिल्डिंग और सेट ऑफ बिल्डिंग्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड फैक्ट्री, ठीक है। सिनोनिम हो जाएंगे वर्क या वर्कशॉप, न्यू फैक्ट्री विल क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ नीडेड जॉब्स, पता ही है आप लोगों को फैक्ट्री। मैन्युफैक्चर, मैन्यू मतलब हाथ, फैक्ट्री मतलब बनाना, तो मैन्युफैक्चर मतलब कुछ बनाने के सेंस में आ जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा मेक, फ्रेम या प्रोड्यूस। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आर्टिफिशियल, फैशियो मतलब मेक, आर्ट मतलब बनाना, तो लैकिंग इन नेचुरल और स्पॉन्टेनियस क्वालिटी, मतलब आपने कृत्रिम रूप से कुछ बनाया हुआ है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा अफेक्टेड, अज्यूम्ड या बोगस, और एंटोनिम हो जाएगा आर्टलेस, जेन्युइन या नेचुरल। दियर आर्टिफिशियल स्माइल्स डिड नॉट मेक अस फील वेरी वेलकम, यानी कि जो उसकी कृत्रिम स्माइल है जो नेचुरल नहीं है उस सेंस में। वोलो मतलब हो गया विश, इसी से आया वॉलंट्री, मतलब हो गया आपका टू डन मेड और विद वंस ओन फ्री विल, यानी कि आप अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं उसे कहते हैं वॉलेंट्री। फ्री विल या सेल्फ इम्पोज्ड, एंटोनिम हो जाएगा कोस्ट या कंपेल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं द एजेंसी इज वॉलेंट्री एंड नॉट रन फॉर प्रॉफिट। अगला है इनवॉलेंट्री, जैसे आपके शरीर में कुछ एक्शंस इनवॉलेंट्री होते हैं, आप चाहते नहीं हो फिर भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री। तो कोस्ड या फोर्स्ड इनका एंटोनिम हो जाएगा, और डेलिब्रेट फ्री विल आपका सिनोनिम हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिया इसमें, ठीक है। ब्रीदिंग इज इनवॉलंटरी, जैसे हम करते नहीं बट होता है, वॉलंटियर हो जाता है अपनी इच्छा से कुछ काम करना, डन और मेड विद वंस विल, फ्री विल या सेल्फ इम्पोज्ड, ठीक है। अगला है आपका वोलिशन, वोलिशन हो जाता है द एक्ट और पावर ऑफ मेकिंग वंस चॉइसेस, अपनी इच्छा की चॉइसेस कर पाने को कहते हैं वोलिशन। अकॉर्ड या ऑटोनॉमी या चॉइसेस, ऑफन टाइम्स ही द डायलेक्ट वी स्पीक इज कम्प्लीटली बियॉन्ड अवर वोलिशन, कई बार हमारी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध होता है। वॉलंटेरिली मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, करना। और प्लेकेट, प्लेकेट होता है प्लैक, वर्ड है प्लैक, मतलब हो गया टू प्लीज या टू अपीज या सूथ। तो प्लेकेट मतलब हुआ कॉज टू मोर फेवरेबली इंक्लाइंड गेन द गुडविल ऑफ, यानी किसी को शांत करना, आप उसे बिल्कुल ऐसा महसूस कराना कि आपकी तरफ हैं, आप उसकी तरफ हैं और आप उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपीज करना, एसुएज करना, कंसिलिएट करना। एंटोनिम हो जाएगा गुस्सा दिलाना, एंगर या एनरेज या इंसेंस। ही स्माइल्ड ट्राइंग टू प्लेकेट मी, उसने मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए स्माइल किया। प्लेकेशन नाउन हो जाएगा, प्लेकेटरी भी नाउन हो जाएगा। अब इसी में आई एम लग गया, आई एम मतलब क्या है, निगेटिव प्रीफिक्स, तो इम्प्लेकेबल मतलब जिसे बिल्कुल प्लेकेट नहीं किया जा सकता।
जिसे खुश नहीं किया जा सकता। सिनोनिम हो जाएगा एडमेंट या एडमेंटाइन, एंटोनिम हो जाएगा एक्विसेंट या एग्रीएबल। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट फेसेस इम्प्लेकेबल अपोजिशन ऑन द इशू ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। इम्प्लेकेबल मतलब विच कैन नॉट बी प्लेकेटेड, जिसे नहीं मनाया जा सकता। प्लेसिड, प्लेसिड मतलब होता है फ्री फ्रॉम इमोशनल और मेंटल एजिटेशन, बहुत शांत कलेक्टेड कंपोज, जैसे आप इस जगह पे जाओ तो आपको शांति महसूस होगी। प्लेसिड काम कंपोजर कलेक्टेड काम, इसे कहेंगे आपका प्लेसिड सीरीन। ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएगा डिस्टर्ब्ड या फ्लस्टर्ड। आई वॉन्ट टू विजिट अ प्लेसिड लेक, शांत जगह पर जाना चाहता हूँ। कॉम मतलब हो गया विद, कॉम्प्लेसेंट, प्लेसेंट मतलब हो गया शांत, कॉम्प्लेसेंट मतलब हो जाता है आपका एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शांत है और संतुष्ट है, जिसे और ने कुछ पाने की इच्छा नहीं हो, उसे कहेंगे। सिनोनिम हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड या इनक्यूरियस, एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न्ड या इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल द ऑडिटर्स वर टेकन अबैक बाय हिज कॉम्प्लेसेंट रिस्पॉन्स टू दियर फाइंडिंग्स ऑफ फ्रॉड। नाउन हो जाएगा कॉम्प्लेसिन या फिर कॉम्प्लेसेंसी। कंडोन, कंडोन मतलब कॉम मतलब हो गया विद, कंडोन मतलब हो गया टू डिसमिस एज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल डिसमिस करना एज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ठीक, सिनोनिम हो जाएगा एक्सक्यूज। फॉर एग्जाम्पल ही इज टू क्विक टू कंडोन हिज फ्रेंड्स फॉल्ट्स, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स की फॉल्ट्स को डिसमिस करने में बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी ही डिसमिस करता है। कंडोन मतलब डोन मतलब गिव और कॉन मतलब विद, यानी कि आप डिसमिस करते हो बड़ी जल्दी ही अपने फ्रेंड की गलतियों को। डोन मतलब गिव, तो डोनर हो गया देने वाला, डोनेट कुछ देना और डोनेशन दान देने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं। हमने इस तरीके से जो पार्ट 9 है आपका वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर जरूर करो भाई, कम से कम दो दो लोगों को शेयर करो आप, तो शेयर जरूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पर पूछिए, और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ज्वाइन डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है @AmanTrivedi। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप सब लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखेंगे तो मैं ज़रूर पूरी किताब को कम्प्लीट करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितना पढ़ाया है सभी को समझ में आया हो। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो आप व्हाट्सएप करके ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दर्ज कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।